काला कानून जो किसानों के विरोध में बनाया गया था, जैसा कि महागठबंधन के कार्यकर्ता कह रहे थे और लगातार वो चरणबद्ध आज महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता वो सड़क पर उतरे हुए हैं। अगर जम्मू जिले की बात करें तो यहाँ पर भी राजद कार्यकर्ताओं और महागठबंधन यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित रूप से बाजार को बंद करवाने का कार्य किया है और जो भी किसान विरोधी बिल का को लेकर उनका जो भी एजेंडा था, जो भी उनको प्रिकॉशन देने की बात हो रही थी, उन्होंने इस बिल को लेकर क्या कहा और सरकार के प्रति उन्होंने क्या विरोध प्रकट किया है मीडिया को संबोधित करते हुए, देखिए हमारे खास अपडेट में। काला कानून जो भारत सरकार ने किसानों पर जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है, यह तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि किसान हित में इस बिल को संशोधित नहीं कर दिया जाता है। यह कानून निश्चित रूप से किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है और जबरदस्ती लोक लुभावन बोल करके किसानों के साथ ठगा जा रहा है, किसानों के साथ छल किया जा रहा है। यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक किसानों के हित में बिल को संशोधन नहीं किया जाए। कुमार सिन्हा, किसानों की बात सरकार सुने और किसान की हित की बात जो करते हैं तो किसान अपने हित की बात आपके समक्ष रख रहा है, आप उनकी मांगों को माने और जब तक उनकी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग रोड जाम और रेल चक्का जाम कायम रखेंगे। आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और किसानों के हित में सुनना पड़ेगा, हालांकि ये बहुत बड़ा चल रहा है। कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेट जगत के हाथों में बेचना चाह रही है केंद्र सरकार, नेपथ्य का जो एजेंडा है, किसान पूरे देश का किसान इसके विरोध में उठ खड़ा हुआ है और हम लोग किसान के आंदोलन को समर्थन देने के लिए तब तक खड़ा रहेंगे। नाम परिचय दीजिए। नाम और परिचय। काला कानून ये वापस नहीं होगा। भूषण यादव, पूर्व मुखिया, खुरंडा, माले सदस्य। स्थिति पैदा हो रही है, अरे तुम हट ना यार, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मनमाना हो रहा है, कभी रेल को बेचने का काम करता है, कभी सेल को बेचने का काम करता है। आज किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रही है, कोरोना काल में इन्होंने मनमाने ढंग से तीन ऐसे कानून को थोपने का काम किया जो सरकार कहती है कि आपका धान को 1868 रुपया में लिया जाएगा। आज झाझा का स्थिति देख लीजिए, पूरे देश का स्थिति देख लीजिए, 1000 रुपया से नीचे इन्होंने धान लेने का काम किया। आने वाले समय में इनका नीति ये रहा तो गरीबों किसानों से मूल्य का जो अंतर है, अंतर है उसका विरोध किसान कर रहा है, उसमें हम सारे दल के लोग भी विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग सवेरे से अभी पूर्वा थी सुपर को रोके, अभी राजेंद्र यादव के नेतृत्व में, और हम लोग अभी पूरे ठाजा को अंबेडकर चौक से कर्पूरी चौक तक अभी हम लोग रोड को जाम करने जा रहे हैं और काला कानून को वापस लेना होगा मोदी सरकार को, नहीं तो और उग्र आंदोलन। ठीक सर, आज हम लोग किसानों के समर्थन में भारत बंद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। किसानों की समस्या जो है ये मोदी सरकार समझने का प्रयास नहीं कर रही है। आज आंदोलन का 12वां दिन है। बेचारे किसान इस ठंड में दिल्ली के विभिन्न चौक चौराहों पर आंदोलन कर रहे हैं। संविधान के तहत जो है उनको जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को लूटने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। मंडी समाप्त कर रहा है, किसानों का हक मारने का काम कर रहा है। किसानों का सारे लोग एक ही मांग, किसानों का किसानों का हक कभी भी मारने नहीं देंगे। इसके चलते हमको सड़क से सदन तक आंदोलन करना पड़ेगा तो हम आंदोलन करेंगे। हमारी एक सूत्री मांग है कि जो काला कानून लाया गया है किसानों के लिए उसे वापस किया जाए, उसे रिपील किया जाए। नो फार्मर नो फूड। आप बताइए रमेश मुखिया जी, आज जो देश में जो स्थिति आ गया है ये स्थिति किसान के लेकर के बहुत खराब देखने को मिल रहा है। सरकार भी जो एक तरफ से बोल रहे हैं कि 3 दिसंबर का ही बात था कि किसान का जो मांग है ये तीनों मांग को हम लोग पूरा कर देंगे, और आज 12 से 13 दिन होने चला है जो देश भर के किसान आज दिल्ली में जाकर को बैठे हुए हैं। आज जो है भारत ने जो किसान पर अत्याचार किया है, कारपोरेटो घरेना का बढ़ावा देने का काम कर रहा है और अंबानी का, इस पर किसान विरोधी सरकार जो तानाशाही नरेंद्र मोदी जी करने का काम कर रहा है, आज जो पूरा भारत में हम लोग किसान के प्रति खड़ा उतरे हैं और हम लोग मरने जीने के लिए तैयार हैं और जो हक हकूक दिला के रहेंगे हम लोग किसान सारे, इसके लिए रोड पर सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। आज चक्का जाम है, पूरा भारत बंदी है,
इसलिए के हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जेल भरो अभियान भी हम लोग का तैयारी हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए महागठबंधन के नेतृत्व में पूरा हम लोग एकता चट्टान के साथ मुस्तैदी के साथ रहेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि किसान विरोधी आंदोलन को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्तेजना थी, उन्होंने लगातार सड़क पर उतर के जो विरोध प्रदर्शन किया है उससे कहीं ना कहीं सरकार की आँखें शायद खुल सकती है और वो इस जो किसान विरोधी बिल जो बनाए हुए उसमें शायद संशोधन कर सकती है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हम देखते रहे। धन्यवाद।